जैसा कि उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। नवगठित मीडिया महासंघ के बैनर तले सभी मान्यता प्राप्त यूनियन के पत्रकार महासंघ के सभा अध्यक्ष जरीफ मलिक आनंद के नेतृत्व में शहीद पार्क में एकत्रित हुए और बाद में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सभी पत्रकार पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे। आशा और उम्मीद से अधिक पत्रकारों की उपस्थिति ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं इस मांग का विरोध कर रहे संगठनों के स्वयंभू ठेकेदारों की सांस तेज कर दी। पत्रकारों की भारी उपस्थिति के मध्य मीडिया महासंघ के सभा अध्यक्ष जरीफ मलिक आनंद के नेतृत्व में मीडिया कर्मियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को इंडिया न्यूज के पत्रकार शिशांत शुक्ला और न्यूज के पत्रकार शिव कुमार पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही जनपद के थाना बाड़ा में पत्रकार के विरुद्ध दर्ज फर्जी मुकदमे को भी वापस लेने की मांग की गई है। मीडिया संघ के चेयरमैन जरीफ मलिक आनंद ने कहा कि पत्रकारों को फर्जी फंसाना लोकतंत्र को कमजोर करता है। गोविंद अवस्थी ने कहा कि अगर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस नहीं हुए तो पत्रकार यूनियन संघर्ष के लिए भी तैयार है। वो लगातार मेरा मानसिक प्रताड़न इतना कर रहा है कि मन होता है आत्महत्या कर लूँ, मैं मजबूर होकर आत्महत्या कर लूँगी। उनका यही मकसद है, चाहे वो फैक्ट्री मालिक हो और जो एक ग्रुप चल रहा है फेसबुक पे सोशल मीडिया पे, वो लगातार इस तरीके से मुझे मानसिक प्रताड़ना दे रहा है कि मैं रोज रात में ये सोचती हूँ कि कब मैं आत्महत्या कर लूँ। आखिर मैं इस कदम को उठा लूँगी क्योंकि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लिखाया गया है, कई तरीके से मुझे फांसा जा रहा है। गलत है, हालांकि प्रशासन ने तो मुकदमा भर भी और मुकदमा दर्ज नहीं किया, लेकिन जानकारी ऐसी मिल रही है कि प्रभारी मंत्री जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनके कहने पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि ये फर्जी मुकदमा खत्म हो जाए, क्योंकि अब अगर ऐसे मुकदमे दर्ज होने शुरू हो जाएंगे तो यहाँ के पत्रकार पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में जो चाहेगा व्यापारी नेता और दुकानदार कल को रिक्शे वाले तक मुकदमा पत्रकारों पर दर्ज कराएंगे। सबसे प्रमुख बात यह है कि जिन लोग पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए गए, एक भी हैं जो डी न्यूज़ के हैं और शांत शुक्ला हैं वो इंडिया टीवी की हैं, इंडिया न्यूज़ की हैं, ये लोग मानता पात पत्रकार हैं। मानता पात पत्रकार पर मुकदमा दर्ज होने और गिरफ्तारी होने से पहले शासन को भी अवगत कराया जाता है। प्रशासन की कहीं ना कहीं ये चूक रही कि उन्होंने प्रशासन शासन के संज्ञान में नहीं लाए और मुकदमा दर्ज कर दिया। दूसरा, आज तो ये हमने शुरुआत की है क्योंकि एक लंबे अरसे से देख रहे हैं कि पूरे जनपद के अंदर मतलब यहाँ तक के गैंगस्टर की कार्रवाई की भी तैयारी चल रही है और बंडा एक क्षेत्र है वहाँ पर चार पांच पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे, एक साजिश के तहत अगर किसानों पर कोई धन्ना सेठ जो है वो उसके बच्चे उसके लड़के राइफल बंदूक तान कर और ज़बरदस्ती उसका रास्ता बंद करना चाहते हैं उसकी खबर चलाई जाती है तो उसे साजिश के तहत प्रभारी मंत्री के दबाव में उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है और बिना किसी जाँच के उसकी मानता रद्द की जाती है। ये सरासर अन्याय है, इसके खिलाफ हम लोगों ने सबने एकजुट होकर सारी यूनियन इसमें समाहित हैं और एक महासंघ के तहत हमने ये आंदोलन की रूपरेखा शुरुआत की है। आज तो ये हमारी पहली मुहिम है जिसकी शुरुआत आज से कर रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य में अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो फिर हम जो भी आंदोलन होगा, आम्रण अनशन अनशन आम्रण अनशन कृमिक अनशन और उसके बाद भूख हड़ताल, जो भी आंदोलन की जो भी प्रक्रियाएं नियमानुसार हैं और जो हमारी परंपरा है, हम आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांग है कि जो फर्जी मुकदमे हैं उन्हें पूरी जांच के बाद वापस लिया जाए और मान्यता समिति से पहले कोई भी अधिकारी आग्रह करता है वो पत्रकार के खिलाफ मान्यता समिति को लिखता है और मान्यता समिति जो है फिर उसके बाद डायरेक्टर को लिखती है, उसके बाद मान्यता खत्म की जाती है। डायरेक्ट किसी के पुलिस अधिकारी के कहने से एक डीओ लिख दिया गया है, एक निर्देश कर दिया गया कि इनकी मान्यता खत्म कर दी जाए तो मान्यता खत्म कर दी गई। पहले जाँच होनी चाहिए और उसके बाद फिर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी मान्यता भी रद्द की जानी चाहिए, तब डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन रद्द कर सकता है, ऐसा मुझे मालूम है। उसके अलावा जो भी कार्रवाइयाँ पत्रकारों को हो रही हैं, जो अभी एक मामला आरिफ सिद्दीकी का हुआ कि एक महिला दरोगा ने उनके साथ कितनी बदसलूकी करी 30 साल का उसका इतिहास है पत्रकारिता का, आज तक उस पर कोई आरोप ऐसे इस तरह के नहीं है। ऐसे तमाम मुकदमे फर्जी किए जा रहे हैं और फेसबुक या जो गिरोह यहाँ काम कर रहा है वो व्यक्तिगत टिप्पणियाँ कर रहा है हमारे ऊपर सबके ऊपर और जो पत्रकार लिप्त हैं इस प्रकरण में उनकी माँ बहनों के लिए उनकी बेटियों के लिए असभ्यता बरती जा रही है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। और अगर
कार्रवाई नहीं हुई तो हम प्रभारी मंत्री जी का, जिनके दबाव में ये रिपोर्ट लिखी गई है, हम उनका घेराव करेंगे। अगली मुहिम हमारी ये है कि जिस दिन वो जनपद में आएंगे तो हम उनका घेराव करेंगे। एक कोतवाली क्षेत्र का मामला है, कोतवाली क्षेत्र नहीं, तमाम क्षेत्र हैं, सब बात मैंने कह दी। अगर आपने FIR कराई है तो FIR की जाँच होगी ना।